कक्षा 11 विषय इतिहास का हमारा दूसरा अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम मेसोपोटामिया के प्रमुख और प्रसिद्ध शहरों के बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा है। तो आज भी हम उसी प्रकार मेसोपोटामिया के ही प्रसिद्ध दो क्षेत्रों के बारे में और पढ़ेंगे, जहाँ असीरिया के शासक ने एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया और बेबीलोनिया के एक प्रसिद्ध शासक ने किस तरह प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया, उन दोनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार हम असुर वेनिपाल ने अपने पुस्तकालयों के लिए प्राचीन पट्टिकाओं का जो है संग्रह वो किस प्रकार से किया। तो असुर वेनिपाल ने अपने लिपिकों को जो है दक्षिणी भाग में भेजा और उन्हें प्राचीन पट्टिकाएं जहाँ से प्राप्त हो सकती थी। दक्षिणी भाग से ही प्राचीन पट्टिकाएं क्यों प्राप्त हो सकती थी, इसका कारण था कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से ही लेखन कला का विकास हुआ, इसलिए सारी प्राचीन पट्टिकाएं कहाँ मिलेगी, हमें दक्षिणी भाग से ही मिलेगी। और असीरिया का जो क्षेत्र था वो मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में स्थित था। और इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बता दिया था, हमने पहले शुरुआत के वीडियो में ये था कि मेसोपोटामिया के जो प्रमुख भाग थे उसमें उसका जो उत्तरी क्षेत्र था उसमें ये असीरिया राज्य, असीरियाइयों ने असीरिया राज्य की स्थापना की थी, और जो शहरीकृत दक्षिणी भाग था उसका मेसोपोटामिया का वहाँ सुमेर और अक्कद जाति के जो शासक हुए थे। तो और उसके बाद वहाँ एक दक्षिण में बेबीलोन नामक प्रसिद्ध शहर भी हुआ था, और इस प्रकार दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया भी कहा जाने लगा। तो इस प्रकार उसी दक्षिणी भाग में ही जो है प्राचीन पट्टिकाओं को प्राप्त करने के लिए लिपिकों को भेजा गया। दक्षिणी भाग ही ज्यादा प्रसिद्ध था, दक्षिणी भाग जो था वो लेखन कला के लिए प्रसिद्ध था, शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध था, और इसके साथ साथ दक्षिणी भाग जो है का कुछ क्षेत्र जो है उपजाऊ भी था, इसलिए मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग ज्यादा प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार हम इसी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्राचीन पट्टिकाएं वहां से प्राप्त हो सकती थी, इसलिए लिपिकों को दक्षिणी भाग भेज दिया गया। इसके बाद दक्षिणी भाग में लिपिकों को जो है शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि वो प्राचीन पट्टिकाओं की प्रतिलिपियां जो है तैयार कर सके। और इसके साथ साथ दक्षिणी भाग में जो बेबीलोनिया प्रसिद्ध शहर था वहां भी प्राचीन पट्टिकाएं जो है असंख्य मात्राओं में थी, यानी उनकी संख्या वहां से अच्छी प्राप्त हो सकती थी, इसीलिए भी असुर वेनिपाल ने लिपिकों को जो है बेबीलोनिया भी भेजा। और इसके साथ साथ जो 1800 ईसा पूर्व से पहले जो है सुमेरियन भाषा वहां प्रचलन में थी, और सुमेरियन के बाद वहां पहले मैंने जैसे आपको बताया ना दक्षिण में सुमेर और अक्कद दोनों क्षेत्र थे, तो सुमेरियन भाषा वहाँ की प्रमुख भाषा थी दक्षिण की बाकी, लेकिन बाद में जैसे ही अक्दियों ने वहाँ शासन स्थापित किया तो वहाँ सुमेरियन भाषा का स्थान अक्दी भाषा ने ले लिया। तो इस प्रकार 1800 ईसा पूर्व से तो पहले सुमेरियन भाषा थी और बाद में सुमेरियन भाषा का जो है प्रचलन बंद हो गया और उसका स्थान अक्दी भाषा ने लिया। और 1800 ईसा पूर्व के बाद में वहाँ के जो विद्यालय थे वहाँ द्विभाषी शिक्षा दी जाने लगी, यानी सुमेरियन और अक्दी भाषा में ही वहाँ के विद्यालयों में शब्दावलियां और संकेत सूचियां बनाई जाने लगी, ताकि प्राचीन पट्टिकाओं को आसानी से पढ़ा जा सके। वहाँ के विद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी क्योंकि सुमेरियन भाषा का भी प्रचलन उस समय तक था, 1800 ईसा पूर्व के बाद भी था विद्यालयों में। तो इस प्रकार शब्दावली और संकेत सूची दोनों ही भाषाओं में होने के कारण प्राचीन पट्टिकाओं को पढ़ना और उसकी प्रतिलिपियां बनाना आसान था। और इसके साथ साथ 650 ईसा पूर्व में जो है किला 650 ईसा पूर्व तक किलाक्षर लिपि को जो है लिपि में लिखी गई प्राचीन पट्टिकाओं की प्रतिलिपियां आसानी से बनाई जा सकती थी इसी दोनों भाषाओं के उपयोग के कारण। तो इस प्रकार प्राचीन पट्टिकाओं का संग्रह जो है दक्षिणी भाग से आसानी से हो सका, क्योंकि इसका ये कारण था दक्षिणी भाग में विशेष प्रकार की शिक्षा द्वारा प्राचीन पट्टिकाओं की प्रतिलिपियां तैयार करने की एक विशेष व्यवस्था वहां की गई थी। तो इस प्रकार असुर वेनिपाल के लिपिकों को भी ये पता था कि हमें प्राचीन प्रतियां कहाँ से मिल सकती है। इसके बाद हमने मेसोपोटामिया में एक गिलिमिक्स नाम के महा गिलिमिक्स नाम का एक शासक था जो उरुक का एक प्रसिद्ध शासक था,
और उसने गिलिमैक्स नाम का महाकाव्य लिखा, तो उसी गिलिमैक्स नाम के महाकाव्य की भी प्रतिलिपियां जो है तैयार की गई थी। और प्रतिलिपि तैयार करने के बाद उस पर जो भी तैयार करने वाला व्यक्ति होता था उसका नाम लिखा जाता था, तो अनेक प्रतिलिपियों पर हमें असुर बेनीपाल का नाम भी मिलता है। इसने भी प्रतिलिपियां जो है तैयार की थी। जो असुर बेनीपाल नामक शासक था उसने अनेक प्रकार की पट्टिकाओं का जो है उल्लेख किया, तो उसने अपनी पट्टिकाओं के उल्लेख में यानी वो खुद भी पट्टिकाएं के जो प्रतिलिपियां बनाने का कार्य करता था, तो इसलिए उसकी एक पट्टिका का एक उदाहरण है कि जैसे उसने लिखा है कि मैं असुर बेनीपाल जो है असीरिया का एक महान शासक था और जो ब्रह्मांड का शासक था और एक उसे जो है देवताओं ने जो है विवेक और बुद्धि प्रदान की है और उस विवेक और बुद्धि के द्वारा ही उसने जो है इन पट्टिकाओं को देवताओं की दी गई बुद्धि और विवेक के बारे में इन पट्टिकाओं पर उसने लिखा है। और इसके बाद उसने इन पट्टिकाओं का संग्रहण किया है और उसने अपनी इन पट्टिकाओं को जो उसकी राजधानी थी जिसका नाम था निन्वे, निन्वे के जो इष्ट देव थे जिसका नाम था नाबू, तो उसकी राजधानी निन्वे और निन्वे के इष्ट देव थे नाबू, उनको उसने वो पट्टिकाएं जो है समर्पित की ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो प्राचीन ज्ञान है वो मिल सके। और इस प्रकार उसके पुस्तकालय में कम से कम 1000 जो थे कुल मूल ग्रंथ थे और 30,000 के लगभग जो है प्रतिलिपियां वहां रखी हुई थी। और इसके साथ साथ उसके पुस्तकालय की एक और विशेषता थी कि उसकी पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी हुई थी उनकी सूचियां भी वो बनाई जाती थी वहां पे, ताकि विषय के अनुसार पता चल सके कि ये प्रतिलिपियां या जो मूल ग्रंथ है वो किस विषय से संबंधित है। उदाहरण के लिए जैसे एक टोकरी है और उसमें बहुत सारी जो है पट्टिकाएं रखी हुई है, अब ये पट्टिकाएं किस विषय से संबंधित है इसके लिए क्या किया जाता था कि जैसे मिट्टी की एक जो है मिट्टी की एक मतलब एक लेबल की तरह मिट्टी का बना के और उस टोकरी के पास रख दिया जाता था और उस पर इस तरह अंकित कर दिया जाता था कि जैसे ये असंख्य पट्टिकाएं हैं वो भूत प्रेत निवारण से संबंधित है और इस व्यक्ति ने इसे लिखा है, यानी ये पट्टिकाएं किस विषय से संबंधित है और इस पट्टिकाओं का लेखक कौन है, इस तरह उस पर लिख दिया जाता था, मिट्टी का एक लेबल बना के उस टोकरी के पास लगा दिया जाता था। तो इस तरह उसने पट्टिकाओं की सूची भी बनाई और उसके पुस्तकालय में 1000 से अधिक जो मूल ग्रंथ थे, 30,000 से अधिक प्रतियां थी और उसने खुद ने भी अनेक पट्टिकाओं की जो है प्रतिलिपियां लिखी थी। तो इस प्रकार असुर बेनीपाल जो है असीरिया का एक महान शासक और विद्या संरक्षक शासक था जिसने एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया। इसके बाद हम बेबीलोनिया का भी एक प्रसिद्ध शासक जो था जिसने प्राचीन मेसोपोटामिया के जो देवी देवता थे उनके सम्मान के लिए कार्य किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बेबीलोनिया के विकास के बारे में पढ़ते हैं पहले कि बेबीलोनिया का विकास कैसे हुआ, यानी किन किन शासकों ने वहाँ शासन किया और उसके बाद उस प्रसिद्ध शासक के बारे में जिसने वहाँ की परंपराओं का सम्मान किया। नेपोपोलासर नामक शासक ने असीरिया से बेबीलोन को मुक्त करवाया तथा
वहां स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। क्या सवाल तो बंद कर रहे हैं? सर हम ये कह रहे हैं नेपो कोला सर, वे उसके उत्तराधिकारियों ने उसके उत्तराधिकारियों ने बेबीलोन राज्य की राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। वे भवन परियोजना को लागू किया। यानी 625 ईसा पूर्व में जो नेपोपोलासर नामक एक शासक था, जिसने असीरिया के आधिपत्य से जो है बेबीलोन को मुक्त करवा के वहां एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और स्वतंत्र राज्य की स्थापना के साथ ही उन्होंने अपने साम्राज्य की वृद्धि की, और इसके साथ साथ वहां भवन निर्माण परियोजनाओं को लागू किया, और इसके बाद उन्होंने बेबीलोन के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेबीलोन का क्षेत्रफल 850 हेक्टर तक फैला था। इस प्रसिद्ध शहर में बड़े बड़े भवन भवन में मंदिर थे, जिगुरात एक सीढ़ी नुमा मीनार थी। जिगुरात यानी सीढ़ी नुमा ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ होता था। जिगुरात का शाब्दिक अर्थ होता स्वर्ग की पहाड़ी। ये जो जिगुरात शब्द है उसका यानी सीढ़ी नुमा मीनार बहुत ऊंचाई पे बनी हुई होती थी, और इसे देवताओं का जो है निवास स्थान कहा जाता था। और इसके अलावा जो अनुष्ठान केंद्र और जो शोभा यात्राएं यानी जो निकलती थी भगवान से संबंधित, उसके लिए जो है विशाल मार्ग बने हुए थे मेसोपोटामिया बेबीलोन में सॉरी। और इसके अलावा जो बेबीलोनिया के व्यापारी थे वो अपना व्यापार करते थे, और इसके साथ साथ गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की थी बेबीलोनिया ने। इस प्रकार हमने बेबीलोनिया की कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त की। तो इस प्रकार बेबीलोनिया जो था बड़े बड़े भवन थे, मंदिर थे, जिगुरात थे, अनुष्ठान केंद्र थे, केंद्र वे
तो इस प्रकार हमने व्यापारी व्यापार करते थे, ज्योतिष खगोल के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति की थी। और इसके बाद 539 ईसा पूर्व में इराक के शासक एकेमेनिड के विजित करने से लेकर और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा पराजित करने तक एक प्रसिद्ध शहर के रूप में विकसित रहा बेबीलोन। ईसा पूर्व में इराक के शासक ने उसको विजित कर लिया और सिकंदर जो था उसने भी उस क्षेत्र को पराजित करके और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तक जो है 339 से 331 ईसा पूर्व तक यानी 625 ईसा पूर्व में जो है उसकी स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना हुई और 331 तक वह एक प्रसिद्ध शहर के रूप में रहा। इसके बाद अब बेबीलोनिया के उस शासक के बारे में, बेबीलोनिया के शासक नेबोनिडिस जिसने मेसोपोटामिया की प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया। इस विशेष शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं किसने कैसे प्राचीन परंपराओं का नेपोनिडिस बेबीलोन का अंतिम स्वतंत्र शासक था। नेपोनिडिस को उल के देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए। और कहा कि दक्षिण के सुदूर क्षेत्र में महिला पुरोहित की नियुक्ति की जाए। तब नेपोटियस ने इस बारे में काफी सोचा और विचारा क्योंकि उसे इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था कि कोई महिला पुरोहित का पद उस प्राचीन समय में था। तो इस प्रकार
नेपोटिस ने जो है बहुत सोच समझकर उसने बहुत लंबे समय तक देखा कि किसी भी प्राचीन काल में किसी भी उच्च पद पर किसी महिला जो पुरोहित के पद के बारे में से कहीं भी लिखा हुआ उल्लेख नहीं मिला। और उसने ये लिखा कि प्राचीन समय में शायद महिला पुरोहित के पद को जो है भुला दिया गया है। इसके बाद नेपोडियस ने फिर लिखा है कि उसे एक पुराने समय में नेबोनिडिस दिखता है कि उसे 1150 ईसा पूर्व में एक शासक की पट्टिका प्राप्त हुई जिसमें एक महिला आकृति का चित्र था जिसके आभूषण और वेशभूषा से ये पता चल रहा था कि वो महिला जो है वो किसी पुरोहित पद का जो है शासन संचालन कर रही थी। नेपोटिस के पास उसके व्यक्ति जो है एक खंडित मूर्ति लेके आए। वो खंडित मूर्ति जो थी वो लगभग 2370 ईसा पूर्व में अकत का एक राजा था जिसका नाम था सार्गोन। उस अकत के राजा सार्गोन की वो मूर्ति थी। और नेपोटिस ने जो है उस प्रसिद्ध शासक के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, इसलिए उसने सोचा क्योंकि वो जो था वो शासकों का सम्मान करने वाला और देवताओं के प्रति जो है निष्ठा रखने वाला एक शासक था नेपोटिस, इसलिए उसने कुशल शिल्पियों को बुलाकर और उस खंडित मूर्ति को जो है वापस उस मूर्ति का पुनः निर्माण करवा दिया। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों से ये हमें पता चलता है कि नेपोटिस जो था वो प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने वाला था, क्योंकि उसने उर नगर के देवताओं के स्वप्न का भी सम्मान करते हुए अपनी पुत्री को जो है पुरोहित पद दिया। और इसके बाद उसने जो है अकत के राजा सार्गोन की जब खंडित मूर्ति देखी तो देवताओं का और जो शासक होते हैं उनके सम्मान के प्रति उसकी निष्ठा थी दोनों के प्रति, तब उसके शासक के सम्मान के लिए उसने उस प्रसिद्ध शासक की वो खंडित मूर्ति पुनः वापस बनवा दी। तो इस प्रकार दोनों ही उदाहरणों से ये सिद्ध होता है कि वो शासक जो था वो प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने वाला था।